नमस्कार, जन मीडिया टीवी के इस खास प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के विशिष्ट अतिथि श्री राजेश पटेल उर्फ बुलबुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय सचिव अपना दल एस से हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। गर्मी का माहौल तो बढ़ चुका है सर, और इस गर्मी के बीच में जो चुनाव की सरगर्मी है वो भी बड़ी खास होती जा रही है। क्या कहेंगे कि जो समीकरण बन रहा है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या प्रयागराज की बात करें विशेषतः, तो कैसे ये सारे मूवमेंट जा रहे हैं, कैसे आप उसको देखेंगे? सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया तहे दिल से कि आपने अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किया, और उसके बाद इस चुनावी सर गर्मी और मौसम की भी गर्मी जी, जिस तरह से धीरे धीरे मौसम का मिजाज बदल रहा है जी, ठीक उसी तरह से आज भारत की राजनीति में मोदी मैं भी धीरे धीरे गर्मी यूं ही चढ़ती चली जा रही है, जैसा कि आम जनमानस की आवाज़ में मोदी में भारत दिख रहा है। तो मतलब जो पसीना है वो विपक्ष को आने वाला है या जनता को पसीने आएंगे? देखिए, ये पसीना जनता के लिए कूल माइंड करेगा, एसी का वातावरण देगा, और विरोधी को ये खून के आंसू रुलाएगा। अच्छा जी जी, आप अपना वक्तव्य पूरा कर रहे थे, मैंने बीच में आपको टोक दिया। ये जो सरगर्मी है अभी जैसा चल रहा था, पूरा माहौल मोदी में चल रहा है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो विपक्ष है कई तरह के आरोप को संज्ञान में लेता है, जैसे कि आपका एक तो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, फिर लचर कानून की बात करते हैं, फिर ये आपका जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो भ्रष्टता आई सामने उसकी बात करते हैं, कहते हैं कि जो बेरोजगारी है उस पर जो है सो पूरी तरह से मोदी सरकार या फिर योगी सरकार कुछ भी नहीं कर पाई, तो इन सब के बीच में क्या क्या हाल है जनता का और मोदी सरकार का, कैसे चुनाव मूवमेंट ले? देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो भी दिख रहा है आम जनता के लिए, न तो महंगाई दिख रही है कि कोई भी चीज़ महंगा है, ये आम पब्लिक नहीं बोल रही है, बल्कि विरोधी लोग जो मोदी से विरोध व्यक्तिगत कर रहे हैं या एनडीए गठबंधन को उस लायक नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आम जनता देख रही है कि मोदी मैं भारत में या मोदी की गवर्नमेंट ने, एनडीए गठबंधन ने जिस तरीके से ज़मीन पर कार्य करके दिखा रही है, गरीबों को राशन देना या फ्री में उन राशन देते हुए घरेलू गैस को देना जी, या तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं। पहले क्या होता था, जैसे जो लोग कह रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लीन है जी, इससे पहले जो भी सरकारें बनी हैं वो निश्चित रूप में भ्रष्टाचार में लिप्त थी, इसलिए दूसरे सरकार पर उंगली उठा रही हैं, न कि आज की सरकार भ्रष्टाचार में लीन है जी। इसे मैं दूसरी सरकार जो चला चुके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप खुद ही जान रहे हैं या हम पब्लिक जान रही है कि वो चलाए हैं भ्रष्टाचार बाखूबी किए हैं, तो भ्रष्टाचारी बात करते हैं कि हाँ आज की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। प्रयागराज की बात करें, अभी रिसेंटली जो है सो नीरज त्रिपाठी जी को उम्मीदवार घोषित किया गया है, बहुत सारे उम्मीदवार थे पीछे और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करी गई थी। एक तरफ तो पार्टी ये कहती है कि हम जो है सो किसी वंश के पीछे नहीं है या किसी परिवारवाद के पीछे नहीं है, और दूसरी तरफ नीरज त्रिपाठी का आना, क्या ये परिवारवाद का संकेत नहीं है? नहीं, इस पर मैं परिवारवाद के परिवार से जुड़े हो सकते हैं कि वो पूर्व राज्यपाल महामहिम केसरीनाथ त्रिपाठी साहब के वो बेटे हैं, अब केसरीनाथ त्रिपाठी साहब नहीं है, ऐसे में निश्चित है कि पार्टी जब से बनी थी भारतीय जनता पार्टी, आप सभी जानते हैं कि उनका एक बेहतर रोल और जमीनी स्तर का वो नेतृत्व करते थे जी, हर एक गरीबों के सुख दुख में वो शामिल होते थे, ऐसे में उनके न रहने से भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को
निश्चित रूप में कमी खली, और वो कमियां दूर कैसे की जाए जी, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी या माननीय अमित शाह जी ने या एनडीए के सारे घटक दल सभी लोगों की बैठक की गई होगी और तब इस पर विचार किया गया होगा कि इस पर क्या किया जाए। तो नीरज त्रिपाठी जी आज के डेट में जो इलाहाबाद संसदीय सीट 52 से प्रत्याशी बनाए गए हैं जी, ये वो निर्विवाद हैं जी, और ये परिवारवाद से बहुत दूर है। चूँकि माननीय केसरीनाथ जी अब नहीं रहे जी, तो उनके त्याग बलिदान को देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए के गठबंधन ने उन नीरज त्रिपाठी जी को अगर प्रत्याशी बनाया है तो मेरे ख्याल से या आम जनता के ख्याल से, मैं जैसा कि क्षेत्र में देख रहा हूँ, उनके आने से कोई झगड़ा नहीं है। बाकी सभी आप देख रहे हैं जैसे कि 10 की संख्या से ज़्यादा वो संसदीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। निश्चित रूप में किसी न किसी को टिकट मिलता, अगर उसमें मिलता तो शायद 2 गुट 3 गुट 4 गुट बनते, लेकिन नीरज त्रिपाठी जी के आने से यहाँ गुटबाजी नहीं होगी। इसके लिए मैं एनडीए गठबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आम जनमानस की आवाज़ को सुनी होगी और तब ऐसा निर्णय लिया होगा। लोकल मुद्दे अगर हम कहें प्रयागराज के, तो कहीं छिप जाते हैं, जैसे कि क्या है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कि नेहरू जी के समय इसको काफ़ी अच्छे तरीके से देखा गया था, आज के डेट में अगर उसको हम यहाँ पे तुलना करें तो सारी इंडस्ट्री लगभग बंद हो चुकी है, चाहे वो BPCL हो, चाहे वो ITI हो, चाहे वो ITI तो चल रही है सॉरी मैम, TSL हो, और भी कई तरह के इंडस्ट्रीज थे जो कि ऑलमोस्ट बंदी के कगार पर भी। तो ये भूमिका जो लोकल यहाँ का जो एक डेवलपमेंट का जो पैरामीटर था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, उसको आप अपनी पार्टी की तरफ से कैसे देखते हैं, और क्या मतलब जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो क्या लोकल मुद्दे पे भारी पड़ने लगे हैं, और क्या लोकल मुद्दे मतलब जिसमें बेरोजगारी का भी एक पैटर्न होना चाहिए था और भी विकास के डेवलपमेंट हैं, या प्रयागराज का जो डेवलपमेंट है क्या उसको हम कवर अप कर पा रहे हैं आपके नज़र में? देखिए, पहले से जैसे कि इंडस्ट्रियल आपने कई कंपनियों का नाम लिया और मैं भी जानता हूँ, जैसा कि नैनी इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से फेमस है भी, और ये इंडस्ट्री आज नहीं बंद हुई है, इस गवर्नमेंट में नहीं बंद हुई है, 14 से पहले ही बंद हो चुकी थी, इसको आप बाखूबी जानते भी हैं जी जी। इस पे यदि भारत सरकार में पूर्व की सरकारें थी या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट दूसरों के हाथ में था जी, तब वो कंपनियां बंद पड़ी, तो इस पर हम धीरे धीरे कुछ न कुछ बेहतर करने की सोच रहे हैं, और सोचते सोचते लगभग कामयाबी की तरफ भी बढ़ रहे हैं जी। जैसा कि हमारा इस समय जैसे सरस्वती हाईटेक अगर देखा जाए, मेरे ख्याल से सेकंड गाजियाबाद यहाँ सेकंड नोएडा का रूप दिया जा रहा है, तो एक तरीके से ये बढ़ावा ही है। प्रयागराज का रिंग रोड जो निकल रहा है, इससे भी हमारे तमाम, चाहे वो चट्टी चौराहे के लोग हों खुशहाल होंगे, या होटल करके दुकानें करके छोटी से छोटी, जैसा कि माननीय मोदी जी के एक बात पर कुछ लोग नाराजगी भी जाहिर करते हैं पकौड़ा बेचने की बात, मैं तो कहता हूँ कि अपने बिजनेस को बेहतर करिए, और निश्चित रूप में नौकरी से बेहतर आप समाज सेवा कर सकते हैं, वो चाहे चाय बेच करके, चाहे आप पकौड़ा बेच करके या ढाबा खोल करके, निश्चित रूप में अपने ऊर्जा को अपने तरीके से लगाएं, निश्चित रूप में सैलरी से बेहतर आप कमाई कर सकते हैं, मेरा मानना है जी। और ये सरकार भी सोचती है, हर हाथ को नौकरी नहीं दी जा सकती, इसे आप भी बखूबी जानते हैं और जनता भी जान रही है, तो इसलिए हमें आगे बढ़ना है, और जैसा कि मोदी जी चाह रहे हैं या NDA चाह रही है कि विकसित भारत का एक सपना ली है,
तो विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब स्वतः में आदमी अपने पैरों पे खड़ा होगा। ठीक है, तो एक चीज और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसे जिस तरह से धार्मिक डेवलपमेंट हुए हैं इस पूरे प्रयागराज का, अगर हम कहें नाम भी चेंज हो गया, इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, और आप जाएंगे तो जो चौराहे हैं सीएमपी से लेके आगे तक आपको शिवलिंग्स के प्रारूप दिखाई देंगे, बहुत सारे ऐसे साइंस दिखाई देंगे जो जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ों को दिखाते हैं। तो अगर इसके इतर और हम डेवलपमेंट को देखें तो एक कुछ प्रोजेक्ट जिसमें आया था कि हम ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने जा रहे हैं और एक बड़ा हब इंडस्ट्री का खड़ा करने जा रहे हैं, तो वो तो पेपर ऑन पेपर दिखाई देता है, लेकिन ये जो है वो धरातल पर दिखाई देता है। तो क्या हम केवल इस डेवलपमेंट को लेके ही आगे अपने जो मुद्दे हैं उनको हम रख सकते हैं या फिर जनता के बीच में जा सकते हैं? कौन कौन से ऐसे विकास वाले मुद्दे होने चाहिए? देखिए, जैसे धर्म की बात है जी, तो धर्म देखिए हर एक देश में है जी, और हमारे भारत की जो संस्कृतियाँ हैं जी, भारत की संस्कृति बौद्ध है, जैन है, हिंदू है, इस्लाम है, जितने भी धर्म हैं या संप्रदाय हैं, इसमें किसी को ठेस तो पहुँचाया नहीं जा रहा है। भाई अगर हम राम को मानते हैं या हिंदू धर्म को मानते हैं तो हमें अपना पूजा पाठ अधिकार है, जो बौद्ध को मान रहा है उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जो इस्लाम को मान रहा है, अभी आपने अभी दो दिन पहले आपने ईद को ईद त्यौहार हुआ जी, उसमें आपने देखा जी, विरोधी लोग ये चर्चाएं करते थे या कहीं न कहीं से आपको सुगबुगाहट मिली होगी कि यहाँ बेहद बड़ा विवाद होगा, लेकिन कहीं देखने को मिला नहीं। मेरे ख्याल से इस बार के ईद मुबारक बाद में मुसलमान भाइयों के बीच हिंदू भाई भी जाकर के बेहतर गले लगे हैं और उन्हें दिली मुबारकबाद दिए हैं। अब जैसे नाम की बात है कि इलाहाबाद का नाम काट करके प्रयागराज जी, ये भारतीय संस्कृति भारत की एक धरोहर है जी। प्रयागराज जैसे तीर्थों का राजा माना गया प्रयाग को, तो उस प्रयागराज में अगर केवल भारतीय सिर्फ होते जी, तो ये कहने की बात होती कि इलाहाबाद का नाम हटा करके प्रयागराज रखा गया, ये गलत है। लेकिन समस्त तीर्थों का राजा, तो ऐसे में विदेशी लोग भी आते हैं, हमारा यहाँ एक प्रेम सौहार्द का विषय है, हम महीने दो महीने कुंभ मेले में जा करके एक आपस में बैठ करके या रह करके पूजा पाठ हवन जो भी है अपने आस्था का विषय है, वहाँ सभी लोग बेहतर रहते हैं, एक दूसरे से बेहतर मिलते जुलते हैं, तो इसमें विषय ये नहीं। इतिहास अगर देखा जाए तो जगह जगह की बात है, जैसे क्या पूर्व की सरकारें किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम अगर बदल कर छत्रपति साहू जी महाराज की और वहीं जगह और सरकारों ने कुछ नाम चेंज किए हैं, तो अगर यहाँ जगह जैसे आज के डेट में देखा जाए तो माननीय मोदी जी वर्तमान प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री आवास योजना इस नाम से देते हैं जी, लेकिन इससे पूर्व की सरकारें क्या करती थी, किसी महापुरुष का नाम दे देती थी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आवास योजना। तो ये अपने जो विशेष रूप से परिवार के बीच में सीमित थे उन चीजों को हटा करके आज यह करके दिखा दिए हैं मोदी जी कि हम भारत के जैसे संविधान में देखते हैं कि रानी हो या महतरानी, राजा हो या रंग, वोट का अधिकारी एक है, उसी तरह से
वो आम जनमानस की बात करते हैं माननीय मोदी जी और एनडीए की सरकार कि हमारा जो है कुछ भी यहाँ परिवारवाद में न जा करके बल्कि आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए, आम जनता का ही कार्य हो, इसके लिए तो मैं बेहतर समझता हूँ। परिवारवाद में वो तो है नहीं, उनके पास न बीवी न बच्चे न माँ न बाप कोई अब नहीं। जाते जाते राजेश जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अपना दल एस की क्या स्ट्रेटजी होगी इस पूरे इलेक्शंस में, क्या महत्वपूर्ण भूमिका के साथ आप लोग उतर रहे हैं। सेकंड थिंग कि गर्मी का जो पारा है वो तो धीरे धीरे चढ़ता ही जा रहा है, चुनावी पारा भी चढ़ता जा रहा है, क्या नंबर 400 पार होने वाले हैं? इसमें संदेह नहीं है, 400 पार तो होना ही है और ये धीरे धीरे पारा जो चढ़ रहा है, हो सकता है 400 पार में हम कितना आंकड़ा दे पाएंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन 400 पार तो निश्चित रूप में आम जनता के मुंह पे आ गया है, ये उनकी जुबानी है, मेरी कहानी भर बन के नहीं है, उनकी आम जनता की ये जुबानी बन चुकी है और पूरा भारत में, भारत जो है मोदी में हो चुका है। और हमारी रही बात कि हमें अपना दल एस परिवार की तरफ से, तो आप पहले से भी जानते हैं कि हमारे नेतृत्व जो है अनुप्रिया पटेल जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका सामाजिक न्याय पर हमेशा आंदोलन चला है, उनके विचार चले हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते ही अपना मुद्दा आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं या आप लोगों के माध्यम से हम जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। इसमें आप सभी का बहुत बेहतर रोल है कि हमारी आवाज़ या अपना दलेश की आवाज़, बहन अनुप्रिया पटेल की आवाज़, एनडीए गठबंधन की आवाज़ आप आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए शुक्रगुजार हूं। और यही सामाजिक न्याय का एक विशेष मुद्दा हम लोग लेकर बहन अनुप्रिया पटेल जी के संग में अपना प्रचार प्रसार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री राजेश पटेल जी उर्फ बुलबुल जी, जो कि राष्ट्रीय सचिव अपना दल एस या सेकुलर से हैं, और इन्होंने अपने पॉइंट्स को रखा और बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन है वो काफ़ी तगड़ा होता जा रहा है और विपक्षियों के पसीने छूटते जा रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करूंगा, मैं विकास मिश्रा, धन्यवाद।